हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर, आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ बिग अपडेट फ्रेंड्स आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट, आधिकारिक विज्ञप्ति जारी हुई, आवेदन हेतु विस्तृत नियम व शर्तें और जनपदवार पदों का विवरण मैं आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बताऊँगा। देखिए, प्राइमरी टीचर वैकेंसी इन यूपी, लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी 2020। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, सभी भाइयों को पता है। प्राइमरी टीचर भर्ती इन यूपी, लेटेस्ट न्यूज़, सहायक 68,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए विस्तार से पूरी खबर यहां पर हम पढ़ेंगे। बट फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर केवल 69,000 से संबंधित आपको न्यूज़ ही मैं यहां पर दूंगा। देखिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट 2020, दिनांक 17 मई 2020, आज 69,000 शिक्षक भर्ती हेतु आधिकारिक विज्ञप्ति हुई जारी। देखें, आवेदन हेतु विस्तृत नियम व शर्तें। फ्रेंड्स, ये विज्ञप्ति आपकी कल जारी हुई है और मैं आज आपके सामने इसे लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, दिनांक 16/5/2020 को विज्ञप्ति जारी हुई है। पत्रांक संख्या ये दी हुई है आपकी विज्ञप्ति में, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स। शासनादेश संख्या ये है, दिनांक 13/5/2020 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 146,060 अभ्यर्थियों में से जनपदवार निर्धारित पदों की संख्या, जो घट बढ़ भी सकती है, पर चयन नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में उल्लेखित प्रावधानों तथा वांछित शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थियों से जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन ई आवेदन पत्र का प्रारूप, आवश्यक दिशा निर्देश एवं जनपदवार रिक्तियों का विवरण वेबसाइट दी हुई है, यहां से आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स खोल करके। दिनांक 18/5/2020 से ये खुलेगी वेबसाइट आपकी। अपराह्न से दिनांक 6/6/2020 6:30 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 18/5/2020 के अपराह्न से दिनांक 26/5/2020 की रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर फ्रेंड्स निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। अभ्यर्थी को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा के लिए निर्गत किया गया अनुक्रमांक, जन्मतिथि तथा मोबाइल संख्या को निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा, जिसके उपरांत अभ्यर्थी के उक्त मोबाइल नंबर पर OTP वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे भरने पर ही वह आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियां प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उक्त के अतिरिक्त गति पर अन्य वांछित प्रविष्टियों को नहीं यहाँ पर देखा जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा भरते हुए आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा, कोई भी कॉलम इसका खाली नहीं छोड़ना होगा। फ्रेंड्स, आपको एक बार आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आपके लिए बन जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वजह से फ्रेंड्स कि जो फॉर्म आपने भर दिया उसमें कोई संशोधन मान्य नहीं है। इस वजह से आप अपना जो फॉर्म जब आप भरो तो आप सोच समझकर हर एक कॉलम को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम चलते हैं आपको लेकर के। उपयुक्त सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मात्र एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा तथा वह अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता तथा जनपद हेतु निर्धारित वर्गवार श्रेणीवार रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद में दिनांक 3 जून 2020 से 6 जून 2020 के मध्य आयोजित काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेगा। काउंसलिंग आपकी ये जून के महीने में होगी फ्रेंड्स, 3 दिन के लिए,
3-4 दिन। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह नियुक्ति हेतु पात्र है। वांछित अनिवार्य शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता वर्ग श्रेणी के सत्यापनों उपरांत और पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को उनके आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से निर्धारित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय समक्ष प्राधिकारी से NOC प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आपको और कुछ जानकारी देते हैं इस विज्ञप्ति के बारे में। अभ्यर्थी को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षिक अन्य मूल अभिलेखों, उसकी 2 सेट स्वप्रमाण छायाप्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क, सामान्य OBC हेतु ₹500, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु ₹200, विकलांगों हेतु निःशुल्क का बैंक ड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा। नियुक्ति होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, जहां जिसको अपॉइंटमेंट मिलेगी वो वहीं पर ज्वाइन रहेगा जीवन भर, जब तक उसकी 60 साल या 58 साल उम्र नहीं हो जाती है। फ्रेंड्स, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि संदर्भगत प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक विभागीय निर्देश एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट दी हुई है का निर्धारित तिथियों के मध्य अवलोकन करते रहें। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पदों पर चयन नियुक्ति बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली 1981 तथा विद्यालयों में पद स्थापन की कार्यवाही अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 के अनुसार की जाएगी। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती हेतु जनपदवार आवंटित पदों का विवरण नीचे दी गई तालिका के UP प्राथमिक शिक्षक जिलावार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसको फास्ट रिवीजन के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। रिक्तियों का जिला संख्या का नाम, आगरा में 820 वैकेंसी हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, अलीगढ़ 940, इलाहाबाद 990, अम्बेडकर नगर 660, अमेठी 820। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम, अमरोहा 720, औरैया 550, आजमगढ़ 1550, बदायूं 2100, बागपत 100, बलिया 1600। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आपके 440, बांदा 1070, बाराबंकी 1310, बस्ती 1340। और फ्रेंड्स, आगे हम फिर जनपदवार आपको बता देते हैं। भदोही में है आपकी 660 वैकेंसी है यहाँ पर। बरेली 1220, बहराइच 1060, बिजनौर 1130 यहाँ पर। बुलंदशहर में 840 हैं फ्रेंड्स आपकी जो वैकेंसी हैं। चंदौली में आपकी 400 हैं फ्रेंड्स। चित्रकूट 1080, देवरिया में 1248, एटा 580, इटावा 590। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, फिरोजाबाद में 680 यहाँ पर, फर्रुखाबाद 1000, फतेहपुर में 520 हैं, फैजाबाद अयोध्या जिसे कहते हैं 880 हैं, गौतम बुद्ध नगर 140 वैकेंसी हैं। फ्रेंड्स, गाजियाबाद में 2 वैकेंसी हैं आपकी, गाजीपुर 1250, गोंडा 1620, गोरखपुर 1350 वैकेंसी हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स, हमीरपुर 480, हरदोई 2450, हाथरस 680, हापुड़ में हैं यहाँ पर 150 वैकेंसी, जालौन 390। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, जौनपुर 2270, झांसी 530, JP नगर 350 वैकेंसी, कन्नौज 800 वैकेंसी, कानपुर देहात में 520 वैकेंसी। फ्रेंड्स आपकी, कानपुर नगर में 350 वैकेंसी हैं, कासगंज 1500, कौशाम्बी 700, कुशीनगर 2220, लखीमपुर खीरी में 2100 है, ललितपुर में आपकी 590 वैकेंसी हैं। फ्रेंड्स, लखनऊ में 150 वैकेंसी, महाराजगंज 1560, महोबा 370, मैनपुरी में 940 है, मथुरा में 690 वैकेंसी हैं। फ्रेंड्स आपके लिए, मऊ में 200 वैकेंसी हैं यहाँ पर, मुरादाबाद 750, मुजफ्फरनगर 260, मेरठ 130, मिर्ज़ापुर में 1200 वैकेंसी फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर हैं, पीलीभीत में 870, प्रतापगढ़ में 1330, रायबरेली 670, रामपुर 1250, श्रावस्ती 280, सिद्धार्थनगर में 1050 वैकेंसी यहाँ पर हैं। फ्रेंड्स, सहारनपुर में आपकी 600 वैकेंसी हैं, शाहजहाँपुर 1150, संभल 680, सुल्तानपुर 1570, सीतापुर 2500 वैकेंसी यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी हैं, संत कबीर नगर 780,
सोनभद्र 450, संत रविदास नगर 500 वैकेंसी, शामली 160, उन्नाव 1120 वैकेंसी हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर वाराणसी में 230 वैकेंसी हैं टोटल, ये मिला करके हो जाती हैं 68,500 वैकेंसी फ्रेंड्स यहाँ पर, और इनकी संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो टोटल हमारे जो 75 जनपद हैं उन सारे जनपदों की मैंने आपको वैकेंसीज की डिटेल यहाँ पर बता दी है फ्रेंड्स। तो आप इसके अकॉर्डिंग, इस विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर कर लें, मैं कहता रहता हूँ आपसे जब भी मैं न्यूज़ देता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में फ्रेंड्स। यहाँ प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 18 मई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 18 से 26 मई तक, ऑनलाइन आवेदन के फॉर्म भर सकेंगे। 27 मई से 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी फ्रेंड्स यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विज्ञप्ति जारी, मैं आपको बता ही चुका हूँ। काउंसलिंग का जो टाइम रहेगा फ्रेंड्स आपका, मैं यहाँ से बता देता हूँ, 3 से 6 जून तक काउंसलिंग कर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे फ्रेंड्स। इंतजार खत्म हो चुका है आपका, यूपी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। 29 मई तक मार्कशीट वेबसाइट पर देख और डाउनलोड आप कर सकेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। अब ये थी आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के पक्ष की जो बातें थी, मैं सारी कुछ आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। अब क्या है, अब मैं कुछ आपको अल्टरनेट बातें भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर आपको न्यूज़ देने का है, चाहे वो आपके पक्ष में हो या विपक्ष में हो फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती का विरोध हुआ तेज, यहाँ पर एक साइड में जहाँ सरकार पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है, वहाँ दूसरी तरफ आप इस भर्ती का विरोध भी हो रहा है। मार्कशीट जारी होने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का विरोध धीरे धीरे तेज होता जा रहा है। विरोध करने का वालों का कहना है कि मार्कशीट से इस भर्ती का पेपर लीक की बात स्पष्ट हो गई है, 150 नंबर के पूर्णांक में से 142 से 144 नंबर पाना बगैर पेपर आउट हुए संभव नहीं है। प्रतियोगी छात्रों की ओर से गुरुवार को इस भर्ती को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पोस्टर जारी किया गया है फ्रेंड्स। ये ऐसी बातें चल रही हैं प्रदेश में, प्रतियोगी छात्रों ने पोस्टर के जरिए भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इनकी मांग है कि इस भर्ती की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, खासतौर से उन अभ्यर्थियों की जांच कराई जाए जिन्हें 130 से ज़्यादा नंबर मिले हैं। दावा है कि गुरुवार को भर्ती के विरोध में न केवल प्रयागराज बल्कि प्रदेश के कई और जिलों में पोस्टर जारी किए गए हैं। विरोध करने वाले प्रतियोगी कुछ बिंदुओं पर जवाब भी मांग रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए। इनका कहना है कि वायरल आंसर की जाँच रिपोर्ट में क्या हुआ इसे स्पष्ट किया जाए। FIR दर्ज होने के बाद जिन लोगों को जेल भेजा गया उनके लिंक से नकल माफियाओं को क्यों नहीं पकड़ा गया फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। 40,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं किए जाने के आखिर क्या क्या कारण हैं इसे स्पष्ट किया जाए। 10 विवाद प्रश्नों पर PNP की ओर से स्पष्टीकरण दिया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती न्याय मोर्चा के संयोजक सुनील मौर्य का कहना है कि 40,000 अभ्यर्थियों के रिजल्ट घोषित नहीं किए जाने पर भी भ्रष्टाचार का ही हिस्सा है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जो PNP की जो ये कार्यशैली है, इस भर्ती को करने का जो ढंग है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये यहाँ पर जानकारी दी फ्रेंड्स। और एक जानकारी मैं और आपको दे देना चाहता हूँ कि जो शिक्षा मित्र हैं वो कुछ BTC संघ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं फ्रेंड्स, और उनकी जो नेक्स्ट डेट सुप्रीम कोर्ट की लगी है वो आपकी 20 मई लगी हुई है। 3 जजों की बेंच उनकी सुनवाई करेगी फ्रेंड्स, तो आप अपने काम को लेकर के सजग रहिए। ये तो आगे देखा जाएगा कि कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप मस्त रहें व्यस्त रहें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स आप इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।